बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर जवेदिया कंवल एंड टुडे इज योर लेसन 4 वीक 2 डे 1। जो लास्ट वीक में हमने आपके साथ 3 वीडियो लेसन शेयर किए, जिसमें हमने जो यूनिट 1 विच वॉज अ पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, और यूनिट 2 द वॉइस कैलिफ जो थी वो हमने ना सिर्फ रीड आउट किए प्लस हमने उनकी एक्सरसाइजेज भी की। Today we are going to start our unit 3, which has 2 parts, teaching and fishing. Inshallah, in today's lesson, we will read out our first part, teaching. Okay, students, this unit has a lot of new words for you. Inshallah, आपकी vocabulary में जो है वो काफी इजाफा होगा, काफी नए words हैं, और हो सकता है इससे पहले आप इन words से familiar ना हो, so attend the session very attentively. The title of our unit is professions. Beta, what is profession? Profession हम एक इंसान earning के लिए जो काम करता है, earning से मुराद यानी कि रोजी कमाने के लिए जो काम करता है उसे हम professions कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर में देखें, आपके फादर भी कोई ना कोई काम करते होंगे, आपके भाई, आपके अंकल्स, आपकी कुछ खवातीन भी काम करती हैं, earn करने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट ये ए वर्ड है टीचिंग। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज अखन। टीचर को हम उर्दू में उस्ताद कहते हैं, लेकिन अच्छी उर्दू में अगर हम बात करें तो हम उसके लिए वर्ड लफ्ज मौलम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मौलम के लिए एक सिंधी लफ्ज अखन है। इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान। कह रहे हैं कि ये फारसी के एक लफ्ज खानदान से निकला है, विच मीन्स जिसका मतलब है पढ़ना। It is said that God writes His law on the hearts of human, on the hearts of man. अच्छा, it is said that कहा जाता है God writes या खुदा लिखता है His law। यहाँ पे you can see that the H is capital। इसकी वजह क्यों क्या है? ये H जो है God के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे H इसका capital है। तो कह रहे हैं कि खुदा लिखता है अपने कवानीन ऑन द हार्ट ऑफ मैन, इंसान के दिल पर। ठीक है, एंड अ टीचर इज वन, और उस्ताद ही है हु कैन रीड, जो कि पढ़ सकता है व्हाट ही राइट्स, जो कि वो लिखता है। अब यहाँ पे फिर ही का एच कैपिटल है, खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑन द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि खुदा अपने जो है वो कवानीन इंसानी दिलों पर लिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेन या पेंसिल की मदद से भी लिखे जाते हैं। एक्चुअली इसका मफहूम या इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये सेंस दी हुई है, इसके दिल में जो है इस चीज़ का एहसास होता है कि एक अच्छाई या बुराई का जो है वो खुद से पता चला सकता है, चाहे उसे कोई बताने वाला ना भी हो, तब भी उसके दिल में खुद से एहसास पैदा हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, दिस मैसेज इज अ रिफ्लेक्शन। द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज इमेज। ठीक है, अक्स को कहते हैं। वो कह रहे हैं दिस मैसेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग्स। सेक्रेड हम कहते हैं मुकद्दस को। ठीक है, और सेक्रेड राइटिंग्स का मतलब अब यहाँ पे मुकद्दस लिखाइयाँ से मुराद ये है कि जैसे हमारी जो आसमानी किताबें हैं जो हमारे लिए मुकद्दस हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। लिखा हुआ एज वेल एज इंश्राइंड इन द वर्क ऑफ क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे अब इस लाइन का क्या मतलब बना? वो कह रहे हैं कि ये पैगाम यानी कि दिस मैसेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग्स। कह रहे हैं ये पैगाम खुदा के कलाम का अक्स होता है जो कि हमें मुकद्दस तहरीरों में मिलता है, एज वेल एज इंश्राइंड इन द वर्क ऑफ क्रिएशन। वर्क ऑफ क्रिएशन का मतलब क्या हो गया? तखलीक का काम। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके साथ साथ तखलीक के काम में जो है ये पोशीदा है, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड। डिवाइन मीन्स ऑफ गॉड, खुदा की तरफ से कमांड हम हुक्म को कहते हैं, यानी कि खुदाई हुक्म से या इज़्ने इलाही से। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो इज़्ने इलाही से जो है वो वजूद में आती हैं या ज़ुहूर में आती हैं। हेंस अ टीचर इज अ रीडर पर एक्सेलेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक उस्ताद, लिहाजा एक उस्ताद जो होता है या एक मुअल्लिम जो होता है वो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है। पर एक्सेलेंस का मतलब बेहतरीन
नफीस तरीन हम वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेंस का मतलब होता है लिहाजा। अब इस लाइन का तर्जुमा क्या बना कि लिहाजा एक उस्ताद या एक मुअल्लिम जो है वो बेहतरीन पढ़ने वाला होता है। वन हु फुलफिल्स, फुलफिल का मतलब क्या होता है, पूरा करना, तकमील करना, ठीक है। गॉड्स कमांड, खुदा के हुक्म की, एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिवेलेशन। रिवेलेशन आपको देखा उन्होंने ब्रैकेट में मीनिंग भी दिया है, वही, ठीक है, व्हिच सेज रीड, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का हम देखते हैं क्या मफहूम बनता है कि एक लिहाजा एक उस्ताद बेहतरीन पढ़ने वाला होता है जो के खुदा के हुक्म को जो है पूरा करता है। फुलफिल का मतलब पूरा करना, जो कि खुदा के हुक्म को पूरा करता है। कौन से हुक्म को पूरा करता है, जिसका इजहार जो था वो पहली वही में किया गया। पढ़, आपको याद है कि आप बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वही का पहला लफ्ज़ था इकरा, जिसका मतलब है रीड, पढ़ना, यानी कि अल्लाह ने अपने जो पहली वही थी उसमें अल्लाह ने इंसान को ये हुक्म दिया था कि वो पढ़े, ठीक है। द टीचर इज वन हु नोज, कह रहे कि उस्ताद वो है जो जानता है हाउ टू रीड गॉड्स वर्ड, कि खुदा के अल्फाज को कैसे पढ़ा जाए। बी इट रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट, चाहे जो है वो इंसानी दिल पर तहरीर हो, और द होली बुक, या मुकद्दस किताब में, और इन नेचर, या फिर वो कुदरत में जो है वो तहरीर हो। हेंस आवर ओन लैंग्वेज पोजेसेस अ वर्ड अपन which is the best expression of a teacher's status and dignity. वो कह रहे हैं कि हम ताहम, hence का मतलब ताहम, our own language possesses the word अफन, हमारी अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ अफन है, which is the best expression of a teacher's status. हम रुतबे को कहते हैं, dignity जो है वो हम वक़ार को या अजमत को कहते हैं, expression हम इजहार को कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी जबान में एक लफ्ज उस्ताद के लिए अफंद है जो कि उस्ताद के रुतबे और अजमत का बेहतरीन तरीका है, इजहार है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सच अ हाई पोजीशन रिक्वायर्स दैट, सच अ हाई पोजीशन, हाई बुलंद को कहते हैं, आला को भी कहते हैं, पोजीशन का मतलब रुतबा या मकाम, और रिक्वायर हम कहते हैं तकाजे को या फिर जरूरत हो, ठीक है। वो कह रहे हैं सच अ हाई पोजीशन रिक्वायर्स दैट, वो कह रहे हैं इस आला मकाम का तकाजा है कि द टीचर स्ट्राइव टू बी मोर एंड मोर वर्दी ऑफ इट। स्ट्राइव का मतलब होता है जिदोजहद करना, कोशिश करना, और वर्दी का मतलब होता है मुस्तहिक जो है होना या फिर काबिल होना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये इतना आला मकाम, यानी कि उस्ताद का जो इस आला मकाम का तकाजा है कि उस्ताद इसका मुस्तहिक होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे। दिस अ टीचर डज बाय कल्टीवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टीचर जो है ये कर सकता है या करता है बाय कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग का मतलब यहाँ पे जो है, वैसे तो कल्टीवेशन हम किसी चीज को पैदा करने को कहते हैं, तो यहाँ पे हम पैदा करने की सेंस में ये वर्ड का मतलब इस्तेमाल होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये टीचर जो है या उस्ताद या मौलिम जो है वो अपने अंदर पर्सनल यानी कि जाती और प्रोफेशनल यानी कि पेशा वराना खूबियाँ पैदा करके जो है वो एक उस्ताद ऐसा करता है। दिस एक्सप्लेन्स, और वो कह रहे हैं कि इससे वाजे होता है व्हाई पीपल इन द ईस्ट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स। वो कह रहे हैं कि मशरक में, मशरक से मुराद क्या है, मशरक की ममालिक, वो कह रहे हैं कि मशरक में जो लोग हैं वो हमेशा रिगार्ड जो है वो हम रिस्पेक्ट को कहते हैं या इज्जत को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इससे वाजे होता है कि मशरक में क्यों जो है वो लोग उस्तादा की जो है या मौलम की इतनी इज्जत करते हैं, रेवरिंग देम एज होली। रिवर वर्ड जो है वो अदब या एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, और होली जो है वो हम मुकद्दस को कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मशरक में लोग उस्तादा की इतनी इज्जत करते हैं कि उन्हें मुकद्दस जानते हैं। हजरत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया, मतलब उस उस्तादा की इज्जत का जो दर्स है वो हमें हमारे मजहब की तरफ से मिलता है, यानी कि जो शख्स हमें सिखाता है वो जो है
उसका रुतबा जो है वो हमारे लिए बहुत बुलंद हो जाता है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट, वो कह रहे हैं कि उस्ताद की पहली, फर्स्ट पहली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम खूबी ये होती है दैट ही और शी लव्स एंड अप्रिशिएट्स द प्रोफेशन. अप्रिशिएट जो है, अप्रिशिएट हम किसे कहते हैं, तारीफ को कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम जो है मोहब्बत के साथ ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि वो जो है, वो चाहे अगर मेल है तो उसके लिए यहाँ पे ही वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और अगर फीमेल है तो उनके लिए शी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वो अपने पेशे से मोहब्बत करता है या करती है. ही मस्ट प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स. प्रेफर हम कहते हैं तरजीह देने को, ठीक है. वेलफेयर हम कहते हैं फलाह बहबूद को, और प्रोग्रेस हम कहते हैं तरक्की को, ठीक है. वो कह रहे हैं कि वो अपने तलबा की जो है वो फलाह बहबूद और तरक्की को सबसे ज्यादा तरजीह देता है. एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, और उनके मफादात को जो है वो सब पहली जगह पे रखता है या उनको अव्वलियत देता है. ही और शी हैज एन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स. और जो है वो हम एहतराम को कहते हैं, और रिस्पेक्ट भी एहतराम के सेंस में ही इस्तेमाल होता है, तो इज्जत देने को कहते हैं. वो कह रहे हैं ही और शी हैज एन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, इंसानों की जो है वो एहतराम और इज्जत करता है. ही और शी डील्स विद, यानी कि जिनसे उनका वास्ता पड़ता है, उन लोगों की वो इज्जत और एहतराम करता है. ये एक अच्छे टीचर की जो है वो खूबियाँ बताई जा रही हैं. सिंस, और उसकी रीज़न क्या है कि वो क्यों हर इंसान की जिनसे उसका वास्ता पड़ता है उनकी इज्जत और उनका एहतराम करता है. सिंस गॉड्स लॉ इज इंस्क्राइब्ड अपॉन देयर हार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब्ड? इंस्क्राइब्ड का मतलब है टू कार्व या टू एच, यानी कि जो चीज़ नक्श हुई हुई हो, जो कंदा हुई हुई हो या लिखी हुई हो, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंस्क्राइब्ड. एक्चुअली इजी वर्ड्स में मैं आपको कह सकती हूँ रिटन फॉर्म, ठीक है. वो कह रहे हैं कि क्योंकि खुदा का कानून जो है वो उनके दिलों पर नक्श होता है, इसलिए, ठीक है. यहाँ पे जो ये लास्ट सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि ही और शी हैज एन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ही और शी डील्स विद, वो हर उस इंसान की इज्जत और एहतराम करता है या करती है जिनके साथ उनका वास्ता पड़ता है, क्योंकि खुदा का कानून जो है वो उनके दिलों पर नक्श होता है. द टीचर स्पीक ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर, ठीक है, विद रेवरेंस. रेवरेंस मैंने अभी आपको बताया हम एहतराम को कहते हैं, ठीक है. वो कह रहे हैं कि एक उस्ताद जो है वो अजायबात कुदरत के बारे में अदब से बात करता है. सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री. डिवाइन मींस ऑफ गॉड, ये वर्ड मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि खुदा की तरफ से, खुदा के हुक्म से जो काम होता है उसके लिए हम कहते हैं डिवाइन. और डिक्री जो है वो हम फरमान को कहते हैं, ठीक है, इनके खुदा के फरमान से वो वजूद में आए होते हैं, इसलिए वो अजायबात कुदरत के बारे में भी अदब से बात करता है. दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स. पॉन्डर मीन्स टू थिंक ओवर, किसी चीज को सोचना, ठीक है. तो कह रहे हैं कि वो खुदा वो गौर व फिक्र करता है ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स, मुकद्दस तहरीरों पर, ठीक है. मुकद्दस तहरीरों पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या है. दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग. सेक्रेड राइटिंग मैंने अभी आपको बताया, सेक्रेड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मुकद्दस के लिए, राइटिंग तहरीर को कहते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है कि खुदा की तरफ से जो हमारी किताबें हैं, मुकद्दस किताबें, उनमें जो लिखी हुई तहरीर है उन पर गौर फिक्र करता है. विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ, जो कि हमें जिंदगी का मफहूम बताते हैं. एंड द वे टू लिव इट फुली, और इसे मुकम्मल तरीके से जीने का तरीका बताते हैं. नो अदर वर्क कुड प्लीज देम बेटर. प्लीज वर्ड जो है यहाँ पे हम जो है वो खुशी को कहते हैं, ठीक है. प्लेजर जैसे वर्ड होता है लुत्फ या खुशी, वो कह रहे हैं कोई दूसरा काम इससे बेहतर खुशी इन्हें नहीं दे सकता. यहाँ टीचर्स की बात हो रही है. अनदर नेसेसरी क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर्स इज थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है. यानी कि अनदर नेसेसरी हम जरूरी को कहते हैं, क्वालिटी हम खूबी को कहते हैं, थर्स्ट हम प्यास को कहते हैं, तृष्णगी, और नॉलेज हम इल्म को कहते हैं. कह रहे हैं कि एक अच्छे उस्ताद की अहम खूबी ये भी है कि उसको हमेशा इल्म की प्यास रहती है या उसके इल्म के लिए वो तृष्णा रहता है. बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड, दूसरों को पढ़ना सिखाने से पहले दे मस्ट देमसेल्व्स नो
उन्हें खुद मालूम होना चाहिए हाउ टू रीड, कि कैसे पढ़ा जाए या पढ़ा कैसे जाता है. द बेस्ट टीचर्स आर ऑलवेज दोज, बेहतरीन उस्ताद हमेशा वो होते हैं, हु रिमेन स्टूडेंट्स फॉर एवर, जो हमेशा के लिए तालबे इल्म रहते हैं, यानी कि जो हमेशा सीखना चाहते हैं वही अच्छे उस्ताद होते हैं. जब जिस शख्स ने ये समझ लिया कि उसका इल्म मुकम्मल हो गया, वो कभी भी अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता, यानी कि एक अच्छा उस्ताद हमेशा सीखने की जो है वो जस्तजू में रहता है. दे आर हम्बल इनाफ, हम्बल हम कहते हैं आजिज को, ठीक है, दे आर या मुनकसर मिजाज को, दे आर हम्बल इनाफ टू लर्न फ्रॉम एनी एंड एवरी वन. वो इतने मुनकसर मिजाज होते हैं कि किसी से और हर एक से सीखते हैं, हर किसी से और हर एक से सीखते हैं. एवर दोज यंगर और लेस गिफ्टेड देन देमसेल्व्स, हत्ता के उनसे जो उम्र में भी कम हो या जहानत में उनसे कम होते हैं, वो उनसे भी सीखते हैं. दिस इज व्हाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. इसीलिए वो सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई के सरचश्मों से ज्यादा सेराब होते हैं. सोर्स जो है वो हम सरचश्मे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड. और ठीक है, अब यहाँ देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही और शी नॉट ओनली स्ट्राइव्स. अब देखिए वो कह रहे हैं कि एक बहुत अहम खूबी एक टीचर की या एक उस्ताद की ये है कि स्ट्राइव का मतलब मैंने आपको बताया था, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना. टू नो व्हाट इज ट्रू गुड एंड ब्यूटीफुल. वो कह रहे हैं कि एक उस्ताद की सबसे अहम खूबी ये है कि वो ना सिर्फ सच्चाई, नेकी और खूबसूरती को जानने की कोशिश करते हैं, बट ऑल्सो सीक्स टू इनकॉर्पोरेट दीज इन द लाइफ. ठीक है, बल्कि सीख हम तलाश करने को कहते हैं, इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल करना. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वो सच्चाई, नेकी और खूबसूरती को जानने की कोशिश करते रहते हैं, बल्कि उनको जिंदगी में अपनाने की या जिंदगी में शामिल करने की भी कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब मश्क करना या अमल में लाना. वो कह रहे हैं वो वही करते हैं जिसकी वो तालीम कर देते हैं. प्रीच हम तबलीग को भी कहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे उस्ताद के बारे में बात हो रही है कि वो वही करते हैं जिसकी वो तालीम देते हैं. आफ्टर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ गॉड, खुदा के रसूल की जो है वो मिसालों की पैरवी में, हु टॉट बाय द वर्ड्स इन द होली बुक, जिन्होंने तालीम ना सिर्फ मुकद्दस किताब यानी कि कुरान मजीद के अल्फाज में दी, एज वेल एज बाय हिज डीड्स इन एवरी डे लाइफ, बल्कि अपनी इसके साथ साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने जो है वो अफाल या अपने कामों से भी जो थी वो उन्होंने तालीम दी, उसको जो है वो मश्क करते हैं या उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं या उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, ये आपका जो पार्ट वन है टीचिंग, ये यहाँ पे खत्म हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपना इसी यूनिट का यानी कि प्रोफेशंस यूनिट का पार्ट टू फिशिंग जो है वो रीड करेंगे. अभी फिलहाल हम ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर बुक पेज नंबर 12. यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस नजर आ रही हैं. क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर, इट्स आई इफ नॉट वन. लर्न द स्पेलिंग एंड मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड यूज 10 ऑफ देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ओके, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी. नंबर वन वर्ड इज सोर्स, एंगेज्ड, हॉबी, इंडिविजुअली, रिकॉग्नाइज्ड, स्पॉइल्ड, मरीन, वेरियस, टेस्टी, लोकली, वार्निंग. ये इन सब वर्ड्स के आपने मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. और मैं आपको ये आपका एक्चुअली होमवर्क बता रही हूँ. ओके, लुक एट दिस, लिखा है सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट ए व्हिच आर सिमिलर इन द मीनिंग टू वर्ड्स इन लिस्ट बी. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, नंबर फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन. मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं, इमेज को. यू हैव टू मैच द रिफ्लेक्शन विद द इमेज. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनश्राइंड. इनश्राइंड मीन्स टू प्रिजर्व केयरफुली. ठीक है, डिवाइन मैंने आपको कहा था, ऑफ गॉड, खुदा की तरफ से जो चीज होती है, तो डिवाइन को आप ऑफ गॉड से मैच करेंगे. डिग्निटी हम किसे कहते हैं, अजमत को या वकार को. यहाँ पे देखें, इसका सेम मीनिंग वर्ड ऑनर है. पर एक्सेलेंस मैंने आपको कहा था, बेहतरीन को कहते हैं, नफीस तरीन को. तो देखें, अब यहाँ पे जो वर्ड बाकी बच गए हैं, इनमें द बेस्ट जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इससे मैच होगा. कल्टिवेटिंग मैंने आपको कहा था, पैदा करने को कहते हैं, किस चीज को बढ़ाने को, तो ये कल्टिवेटिंग जो है वो डेवलपमेंट से मैच होगा. प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हम किसे कहते हैं, कंसर्निंग वन्स जॉब, यानी कि
पेशा वराना किसी की जॉब से मुतल या रिलेटेड जो चीज़ हो उसे हम प्रोफेशनल कहेंगे, रिगार्ड हम जो है ओपिनियन से मैच होगा. ओके एक्सरसाइज सी, चूज द राइट मीनिंग फ्रॉम द ब्रैकेट. ओके द फर्स्ट वर्ड इज रिवरिंग. अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिए हैं, रिवर्सिंग, पेइंग रिस्पेक्ट टू, रेफरिंग. रेवरिंग का मैंने आपको मतलब बताया था अदब या एहतराम को कहते हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, पेइंग रिस्पेक्ट टू. ओके नेक्स्ट इज एप्रिशिएट्स, लिखा हुआ थिंग्स, सोचने को कहते हैं, पेज मनी टू या वैल्यूज. वैल्यूज इज द राइट आंसर, अहमियत देना, अप्रिशिएट करना, तरजीह देना. ठीक है इंस्क्राइब्ड, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब्ड. एक्चुअली हम तहरीर शुदा को कहते हैं. ठीक है डिमांडेड, रिटन या डिस्क्राइब, रिटन वर्ड इज द राइट आंसर. डिक्री, मैंने आपको कहा था डिक्री हम किसे कहते हैं? फरमान को. ठीक है अहकाम को कहते हैं. सर्टिफिकेट, कमांड, टेम्परेचर, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि विच वन इज द राइट आंसर, कमांड. पॉन्डर्स, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉन्डर्स, गौर और फिक्र करना, टू थिंक अबाउट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक्स अबाउट, वैंडर्स अबाउट, स्विम्स अबाउट. थिंक्स अबाउट इज द राइट आंसर. और नेक्स्ट वर्ड इज गिफ्टेड, रिवॉर्डेड, टैलेंटेड और इंडेटेड. इसका आंसर है रिवॉर्डेड. ठीक है जो चीज नवाजी जाए. ठीक है नेक्स्ट लिखा हुआ है सोर्सेज, इसको जो है वो इन्फ्लुएंसेस, वॉन्ट्स और फाउंटेन्स. फाउंटेन्स इज द राइट आंसर. स्ट्राइव्स, मैंने आपको मतलब बताया था जिद्दोजहद करने को कहते हैं. तो ट्राइज हार्ड इज द राइट आंसर. इनकॉर्पोरेट मीन्स, मैंने आपको बताया था किसी चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना. ठीक है या उसको अपना हिस्सा बना लेना. तो पुट एन एंड टू या मेक पार्ट ऑफ, मेक अ होल एंड, मेक पार्ट ऑफ इज द राइट आंसर. स्टेटस हम किसे कहते हैं? रुतबे को कहते हैं. तो यहाँ पे अ कंट्री, पोजिशन और प्रॉपर्टी में से पोजिशन इज द राइट आंसर. नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट? यू हैव टू रीड दिस यूनिट वंस अगेन बाय योर सेल्फ. आई होप कि आपने यूनिट वन और टू का काम जो है वो कर लिया होगा. अब जो है आपने क्या करना है, यूनिट थ्री जो है आपका प्रोफेशंस यूनिट जो है इसका आपने टाइटल पेज बनाना है. और बुक एक्सरसाइजेस जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके आई जे के विच इज ऑन पेज नंबर 12, इसको आपने अपनी नोटबुक पर करना है. ठीक है दैट इज द असाइनमेंट फॉर टुडे. ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द लेसन. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.